हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ रांची से। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और कन्नड़ा मूवी की, जिसका रिकमेंड किया था मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका यूट्यूब आईडी नेम है स्टाइल किंग। तो बेचारे को बहुत दिन पहले मैंने बोला था कि मैं गीता कन्नड़ा मूवी का रिव्यू करूंगा, लेकिन मैंने मूवी तो देख चुका था, लेकिन किसी वजह से मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा था। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो कोरोना वायरस का जो संकट चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि पूरी फैमिली हम लोग सब साथ में रह रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि फिल्में या सीरीज देखे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं से भी ऐसा ना लगे कि यार मैं वीडियोस नहीं बना रहा, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए ही चैनल पर और आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ। चलिए हम लोग जानते हैं गीता मूवी मुझे कैसे लगी और क्या आपको ये मूवी हफ्ते देखनी चाहिए या नहीं चाहिए, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मूवी आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो इस मूवी में हमेशा की तरह नजर आते अच्युत कुमार। अब अच्युत कुमार एक ऐसे एक्टर है जो कन्नड़ा मूवी, मोस्टली हर कन्नड़ा मूवी में होते ही है, एक छोटा सा कैमियो क्यों ना हो मगर उनका रोल होता ही है। यहाँ पर भी हमें अच्युत कुमार नजर आते। खैर, वो हमारे इस फिल्म के कोई इंपॉर्टेंट रोल तो है नहीं। इस फिल्म के जो मेन एक्टर है उसका नाम है गोल्डन स्टार गणेश। मैंने गोल्डन स्टार गणेश की दो मूवीज देख चुका और मुझे पर्सनली उनकी दोनों ही मूवी बहुत अच्छी लगी थी। एक तो थी मुन गले माए और दूसरी थी गली पटाओ। दोनों का रिव्यू मैंने किया था और आपको यकीन नहीं होगा कि गोल्डन स्टार गणेश एक ऐसे एक्टर है। आप मान लो, अगर आपको चाइना का नाम आज की तारीख में अगर आपके जहन में चाइना का नाम है और कोरोना वायरस ना आए, तो ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल है ना। वैसे ही सेम अगर आपके दिमाग में कन्नड़ा मूवी हो, अगर वो लव स्टोरी हो और उसमें गोल्डन स्टार गणेश ना हो या गोल्डन स्टार गणेश की याद ना आए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी बात करती है एक लव स्टोरी, लेकिन यहाँ पर लव स्टोरी के साथ साथ कुछ और भी हमें देखने को मिल जाता है। वो क्या है मैं आपको इस रिव्यू वीडियो में बताता हूँ। खैर, मूवी की कहानी शुरू होती है गोल्डन स्टार गणेश से। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गोल्डन स्टार गणेश के सामने तीन एक्ट्रेस है, एक शान्वी श्रीवास्तव, दूसरी पार्वती राज और तीसरी प्रज्ञा मार्टिन। तो मूवी की कहानी शुरू होती है आकाश से, यानी कि गोल्डन स्टार गणेश से, जो की एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और उनकी फ्रेंड का यहाँ पर रोल प्ले करी शान्वी श्रीवास्तव। लेकिन आकाश को प्यार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसके मॉम मम्मी अलग हो चुके और इसी वजह से वो प्यार पर भरोसा नहीं करता। लेकिन शान्वी श्रीवास्तव जो चाहती किसी भी तरीके से आकाश की मॉम मम्मी वापस से मिल जाए। लेकिन आपको पता, जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो बुरी चीज पहली हो जाती है। तो वहां पे कुछ ऐसा होता है कि उसके माँ बाप मिलते तो नहीं, लेकिन हाँ, कहानी में ट्विस्ट जरूर आता है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर हमें 1980 की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर हमें गोकाक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। गोकाक प्रोटेस्ट क्या है? ये एक्चुअली रियल है, ये हुआ था कन्नड़ा लैंग्वेज को बचाने के लिए, हुआ था गोकाक प्रोटेस्ट। तो उस प्रोटेस्ट को आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि वो जो हिस्सा था वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी बताई गई है। और वो लव स्टोरी क्या है, इसके बाद आगे कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है गीता। अब मैं आपको बताता हूँ ये मूवी मुझे कैसे लगी। तो ये मूवी मैं बताऊँ, स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जब भी मूवी देखोगे तो आपको प्योर ये गणेश, जब गोल्डन स्टार गणेश की अगर आपने ऑलरेडी फिल्म देख चुके हो, तो ये फिल्म की जो कहानी है और जिस तरीके से इसकी थीम है, ये बिल्कुल गोल्डन स्टार गणेश को फीड बैठती। और ये फिल्म में उन्होंने बहुत ही शानदार काम करके दिखाया। प्लस गोल्डन स्टार गणेश की मूवी में एक खास बताता हूँ, उसकी मूवी में जो म्यूजिक होती है ना, बहुत ही मेलोडियस होती है, और इस फिल्म में भी जो म्यूजिक है बहुत अच्छी है। और प्लस गोल्डन स्टार गणेश की मूवीज में आपको इमोशंस देखने मिलेंगे, रोमांस देखने मिलेंगे, कॉमेडी देखने को मिलती है, प्लस थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिल जाता है। और इस फिल्म में भी आपको कुछ एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फिल्म एक लव स्टोरी है। इतना कह सकता कि इस मूवी में मुझे सबका काम अच्छा लगा। अब मैं कुछ अच्छे सीन्स की बात करता हूँ। एक प्रपोजल सीन है, यहाँ पर प्रपोज करते हैं। अब वो सीन कहाँ आता है, किस वक्त आता है, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बोलता कि वो उसको इंटरवल के बाद आता है। तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मेंशन करूंगा इसका एंडिंग सीन। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा लगा, क्लाइमेक्स में थोड़ा आप इमोशनल फील करते हो, क्योंकि ये गणेश की मूवी है, तो यहाँ पर आपको जो इमोशनल जो तड़का है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पर्सनली मैं बताता हूँ, गणेश का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अलग ही है। शान्वी श्रीवास्तव ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया। उसके अलावा पार्वती राज की बात करूं या प्रज्ञा मार्टिन की बात करूं, दोनों ने अपना काम बहुत अच्छा करके दिखाया। और हाँ, देवराज, जिसका मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, देवराज का भी जितना भी काम है बहुत अच्छा है। लेकिन इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट लगा, वो था ये कि आई थिंक इस मूवी में गोल्डन स्टार गणेश का डबल रोल होना चाहिए था। वो क्यों है वो तो आप इस फिल्म में देखो तो समझ जाओगे, लेकिन होना चाहिए था। वो एक चीज मुझे थोड़ी सी खामियां लगी। उसके अलावा इस फिल्म की अगर लेंथ की बात करो तो थोड़ा सा 10-15 मिनट इस मूवी को इजीली ट्रिम किया जा सकता था। हाँ, मेरे हिसाब से ये मूवी आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस हफ्ते देख सकते हो, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कन्नड़ा लैंग्वेज आती है तो। अगर आपको कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो अफसोस, आप ये मूवी को नहीं देख सकते, क्योंकि ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल तो है लेकिन विदाउट सबटाइटल के है। और मुझे नहीं लगता कि कोई और OTT प्लेटफॉर्म में आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी आज की तारीख में। अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी है नहीं। अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर उस मूवी का लिंक शेयर करना, ताकि मैं आप लोगों यानी दूसरे व्यूवर्स को शेयर कर सकूं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये मूवी दिया या लव मॉकटेल जैसी जबरदस्त लव स्टोरी तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकता कि अगर गोल्डन स्टार गणेश के आप बहुत जबरदस्त फैन हो, अगर आप एक अच्छी लव स्टोरी देखने जाए तो जहां पर आपको कुछ और भी हटके देखने को मिले, तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। तिल दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि शेख और आप सब है।
तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में।